देख लो अभी एक तो ठीक है, अपने पास एक और फॉर्मूला है, ई एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है आपका डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये आपको पता ही है बराबर है। अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ई एवरेज निकाल लेता वो भी तो चलेगा ना अपना, तो ई एवरेज इक्वल टू अपना क्या डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अभी मेरे को जो पूछा है वो 0 से लेके टी नॉट तक पूछा है सब चीजें, मतलब एक तो समझ सकते हो ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा और ये आपका फाइनल पॉइंट होगा बराबर है। तो मैं क्या कर लेता अगर मेरे को डेल्टा फाई निकालना है तो मैं क्या करता, पहले फाई फाइनल निकालता जो कहां पे आपका टी नॉट पे, तो फाई फाइनल कितना होगा बराबर है। अभी फाई इज इक्वल टू कितना होता आपको पता है, बी इंटू ए इंटू और कॉस आपको एंगल जो दिया हुआ है यहाँ पे एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल दिखोगे तो वो तो 0 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री आएगा। बोलो बी की वैल्यू, अब बी कहाँ पे निकालना पड़ेगा मेरे को, कहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट पे, अगर बी फाइनल अगर मेरे को फाई फाइनल निकालना है तो बराबर है। तो बी फाइनल तो बी क्या होगा आपका, बोलो बी नॉट इंटू टी नॉट क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एरिया, एरिया कितना आपका पाई ए स्क्वायर और कॉस 0 की वैल्यू तो वन ही होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका ये आ जाएगा फाई फाइनल, ये क्या आ जाएगा आपका फाई फाइनल। सिमिलरली फाई इनिशियल निकाल लेते, तो फाई इनिशियल कहाँ पे होगा आपका टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि आपको 0 से लेके टी नॉट तक पूछा होगा यार बराबर है। तो कर लो तो टी के वैल्यू अगर 0 पुट करते तो बी कितना होगा आपका, बी नॉट टी कितना है आपका 0, तो 0 क्यूब ये आपका बी हो गया बराबर है, इंटू एरिया एज इट इज पाई ए स्क्वायर बराबर है, और कॉस 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 बराबर है, ये कितना आ जाएगा आपका 0। डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा डेल्टा फाई आ जाएगा। तो यहां से अगर आप डेल्टा फाई निकालते हो तो डेल्टा फाई बराबर है ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई एवरेज, अगर वो निकालते हो तो बोलो डेल्टा फाई कितना आया फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो इनिशियल तो 0 है, तो फाइनल जो होगा वही आपका डेल्टा ये होगा, तो बी नॉट टी नॉट क्यूब बराबर है इंटू पाई ए स्क्वायर बटे टोटल टाइम। अभी टोटल टाइम कितना होगा 0 से लेकर टी नॉट, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो टी नॉट माइनस 0 तो कितना आ जाएगा आपका टी नॉट, तो बचे बटे क्या जाएगा आपका टी नॉट, ये हो जाएगा आपका ई एवरेज। यहां से अगर निकालोगे तो टी नॉट ने इस टी नॉट को मारा, इधर स्क्वायर बचेगा बराबर, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ई एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट टी नॉट स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा आपका आंसर, और वही देखो हमने पहले निकाला था। तो देख लो ये आपका रहेगा शॉर्टकट, ये क्या रहेगा आपका शॉर्टकट, इससे बहुत आसानी से हो जाते हैं ठीक है। तो ये आपका ये आया बराबर। अगर मैं जनरलाइज फॉर्म बनाता हूं, अगर जनरलाइज फॉर्म बनाता हूं तो एक मैं ऊपर लिखते जाऊंगा जनरलाइज फॉर्म, तो ई एवरेज इज इक्वल टू क्या है आपका डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, मैंने ये वाला यूज किया। अभी मेरे को आई एवरेज निकालना है, मेरे को क्या निकालना है आई एवरेज, तो आई एवरेज अब आपको पता ही है क्या होता है, ई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई एवरेज इंटू आर, अगर आप समझ सकते हो तो ई एवरेज बटे आर इज इक्वल टू क्या होगा आपका डेल्टा वी बटे आर बराबर, ओम्स लॉ, व्हाट इज डेल्टा वी, डेल्टा वी इज ईएमएफ, यहाँ पे ईएमएफ दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका आई एवरेज बराबर। तो मैंने कुछ नहीं ओम्स लॉ यूज किया बराबर, और इसके वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो आपका ई एवरेज इक्वल टू क्या जाएगा आई एवरेज इनटू आर इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी बराबर। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आपका जो आई एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी बराबर बटे क्या जाएगा आपका आर, ये हो जाएगा ये आई एवरेज बराबर है। तो एक फार्मूला आपके पास ये रेडी होगा ई एवरेज का बराबर, जनरल फार्मूला, एक फार्मूला आपका ये वाला होगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। तो अगर मेरे को अभी आई एवरेज निकालना है तो मैं आई एवरेज के आसानी से निकाल सकता हूं, तो आई एवरेज आपका जो होगा दैट विल बी ई एवरेज, बोलो ई एवरेज बटे क्या होता है आपका आर, देख लो ई एवरेज बटे क्या होगा सॉरी आई एवरेज इंटू ई एवरेज बटे आर, नहीं तो डायरेक्ट डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी इंटू क्या होगा आर होगा, तो डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी मतलब ही वो ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है वहां पे, तो यहाँ पे आई एवरेज आपका क्या हो जाएगा बी नॉट टी नॉट स्क्वेयर पाई ए स्क्वेयर बटे क्या हो जाएगा आपका आर, और यही क्या होगा आपका आई एवरेज। देखो दूसरी चीज भी आ गई बराबर है, तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आपका बराबर है, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ईएमएफ इंड्यूस, दूसरा भी सॉल्व हो गया बराबर है। अभी बचा फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल बराबर, इस कॉइल से टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा बोलते टाइम 0 से लेके टी नॉट तक, टाइम 0 से लेके टी नॉट तक, तो वो भी निकाल लेते, तो वो निकालोगे तो कैसे निकालोगे जी, अगर वो निकालते हो तो वो कैसे निकालोगे, तो अपने पास अभी और एक जनरल फार्मूला बनता है अपने पास बराबर है। तो आपको पता ही है कि आपका जो आई होता है, देखो यहां पे आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होता है आपका डीक्यू ओवर डीटी, आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है आपका डीक्यू ओवर डीटी, ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है फार्मूला। अभी ये अगर आपका इंस्टेंटेनियस करंट है, अगर मैं ये निकालता हूं आई एवरेज करंट, क्या निकालता मैं एवरेज करंट, तो दैट विल बी टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, टोटल टाइम बराबर है। तो यहां से आप देखोगे तो आई एवरेज इंटू डेल्टा टी गिव्स यू टोटल चार्ज फ्लोन बराबर है, तो आई एवरेज तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो यहां पे कर लेते, तो अगर मैं यहां पे पुट करता तो आई एवरेज रिजल्ट क्या आपका डेल्टा फाई
ओवर डेल्टा टी इंटू आर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा टी तो कट ही गया जी, आपका डेल्टा क्यू नथिंग बट क्या है, डेल्टा फाई बटे आर, बराबर है। तो ये आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू। अब इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हो तो आपको पता ही है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा फाइव। अभी अभी तो निकाला है, कितना है, फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल, तो यही होगा आपका, बराबर है। तो यहाँ पे लिख दो बी नॉट टी नॉट क्यूब पाई ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका, और यही क्या होगा आपका, डेल्टा क्यू। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछ लो, कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछ लो फटाक से। इसी में देखो आपको घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, दिया रहेगा ठीक है, आपका दिया रहेगा कि एक आई वर्सेस टी का ग्राफ है, आई वर्सेस टी का क्या आपका ग्राफ है, ठीक है, और ऐसा कुछ तो भी आपको दिया हुआ है ग्राफ, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी, ठीक है, ग्राफ लेट से आपका ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, आपको बोला है कि ये जो वैल्यू है ये वाली आई नॉट है और ये वाली वैल्यू कितनी है टी नॉट है, और बोलेंगे फाइंड चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर होम, बराबर। तो कैसे करोगे इस टाइप का क्वेश्चन, अभी अपने पास तो ठीक है ना, अभी ये आई वर्सेस फंक्शन, आई एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है, तो अपने पास डायरेक्ट फार्मूला पता है, आपको पता है ई एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर ई एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आई एवरेज बटे आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। देखो सीधा सीधा याद रखना, ठीक है, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, बराबर है, इनटू आर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इज इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। तो यहां से अगर देखोगे, यहां से अगर देखोगे तो डेल्टा टी तो कट ही जाएगा, तो यहां से आप सीधा एक रिलेशन मिलता है जो पहले भी निकाला था मैंने, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल कितना मिलेगा आपको, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा क्यू बटे आर इज इक्वल टू मिलेगा आपका डेल्टा फाइव। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये जो लूप है बराबर है, उस लूप का रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है आर, आपको ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये भी ये नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो डेल्टा क्यू तो निकाल सकते हैं ना, आपका ये किसका ग्राफ है, आई एज अ फंक्शन ऑफ टी है, तो आई एज अ फंक्शन ऑफ टी है, तो इसका एरिया मतलब ही क्या हो जाएगा आपका, इसका एरिया मतलब ही क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा क्यू, तो यही तो एरिया, यही एरिया मतलब ही क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू इज कितना हो जाएगा, एरिया बोलो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस ग्राफ का एरिया कितना है, बेस कितना है, ये कितना है, ये आपका बेस, तो टी नॉट बेस हो गया, और हाइट कितनी होगी आई नॉट, तो 1/2 इंटू आई नॉट इंटू टी नॉट, यही क्या हो गया आपका डेल्टा क्यू, यहाँ पे पुट कर लो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से अगर देखोगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू बोलो कितनी आई, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी देख लो यहाँ पे, तो डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू आया, तो डेल्टा क्यू बटे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा फाइव, बोलो डेल्टा क्यू की वैल्यू 1/2 इंटू आई नॉट इंटू टी नॉट बराबर बटे आर इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका डेल्टा फाइव, और यही आपका क्या आंसर है, देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। पहले सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा मैंने, आई दिया हुआ था आपको क्या निकालना था, सॉरी डेल्टा फाइव दिया था आई निकालना था, अभी आई दिया हुआ था आपको और क्या निकालना था आपको, डेल्टा फाइव निकालना था, बराबर है। तो आपको घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते, तो ये हुआ अपना, ये वो अपना चेंज इन फील्ड वाला, ठीक है, इसमें जो वेरायटी बन सकती थी मैंने वो दे दी, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते, ठीक है, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते, तो मान के चलो अगर आपका थीटा चेंज होता तब क्या होता, ये जो आपका क्वेश्चन है ये थीटा चेंज वाला है, तो आप लोगों ने नाइन्थ टेंथ क्लास में एसी जनरेटर तो पढ़ा ही होगा, टेंथ क्लास में एसी जनरेटर तो पढ़ा ही होगा, तो वहां पे आपको पता रहता है एक लूप रहता है, बराबर है, तो वैसे ये वाली लूप है आपकी एबीसीडी, लेट्स से इसको नाम दे देते, हाँ पी क्यू आर एस नाम दे देता हूँ, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है, और इसके डायमेंशन में ले लेता हूँ, लेट से ये जो लूप है आपकी, ये जो लूप है आपकी बराबर है, ये आपकी लूप है, ठीक है, इसके मैं डायमेंशन दे देता हूँ कि ये जो आपकी हाइट है बराबर है, यहाँ पे अगर मैं नाम दे रहा हूँ तो ये पी, ये क्यू, ये आपका आर और ये आपका क्या है एस है, तो लेट से ये जो लेंथ है आपकी ये एल है और ये जो लेंथ है आपकी वो कितनी है बी है, ठीक है, ये आपके डायमेंशन है एल एंड बी, ठीक है। अभी मान के चलो
यहाँ पे आपको बताइए, जब आपने वो एक्सपेंड किया होगा तो वहां पे कार्बन ब्रशेस रहते हैं, स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग स्प्लिट रिंग्स रहती है, कार्बन ब्रशेस रहती है बराबर, स्प्लिट रिंग्स रहती है बराबर। उसके बाद आपका एक एक्सल रहता है बराबर, वो एक्सल को हम क्या करते हैं, मैकेनिकली घुमाते हैं बराबर। फिर मैकेनिकली घूमता है, और उसके बाजू में हम क्या रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रखते हैं। क्या रखते हैं वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रखते हैं। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को क्या करता है, कट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को क्या करता है, कट करता है। तो वो सब कुछ आपको पता ही है। तो लेट से यहाँ पे मैंने दो मैग्नेट लगाए, एक ऊपर की तरफ रखा एक मैग्नेट, और एक कहाँ पे रखा मैंने, एक नीचे की तरफ रखा। एक ऊपर की तरफ लगा मैग्नेट और एक कहाँ पे रखा, नीचे की तरफ लगा। तो लेट से मान के चलो कि आपका ऊपर की तरफ जो था ये क्या था आपका, मान के चलो ये था आपका, ये था आपका लेट से साउथ पोल था मान के चलो बराबर। और जो आपका नीचे की तरफ था यहां से ऐसे, यहाँ पे मान के चलो आपका जो नीचे की तरफ था लेट से, वो क्या था आपका, नॉर्थ पोल था बराबर। तो अभी यहां से तो आप समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, ऐसे दिख जाएगी, यहां से निकलेगी नॉर्थ से बराबर। हालांकि ये यहाँ पे जो यूज करते हैं हम, कौन से यूज करते हैं, हॉर्स शो मैग्नेट यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, इस तरफ जाएगी ऐसे, समझ सकते हो। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा बराबर। और ये ऑब्वियसली कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी बराबर। तो ऐसे कुछ तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा ठीक है। तो ऑब्वियसली दिख रहा है अभी क्या, यहाँ पे कह रहे थे एक एक्सल रहता है, अभी आपको पता ही होगा यहाँ पे क्या रहता है आपका, एक एक्सल रहता है बराबर। ऐसे कुछ तो भी आपका एक एक्सल रहेगा यहाँ से ऐसे ठीक है, ऐसे कुछ तो भी एक्सल रहता है ठीक है। और इसको हम क्या करते थे, इसे रोटेट कर देते, ऐसे क्या कर देते हम, इसको रोटेट कर देते बराबर। अभी अभी आपको बताना है, अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, साफ साफ बता सकते हो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, आपका एंगल चेंज हो रहा है। कि जैसे आपका वो जो पी की अभी एक्सल घूम रहा है, और एक्सल के साथ अटैच कौन है, एक्सल के साथ अटैच कौन है आपका, एक्सल के साथ अटैच है आपका पी क्यू आर एस लूप अटैच है, रेक्टेंगुलर लूप अटैच है। तो जैसे आपका एक्सल एक्सल घूमेगा, उसके साथ ही कौन घूमेगा आपका, उसके साथ ही कौन घूमेगा आपका, ये भी घूमेगा लूप बराबर। अभी लूप घूमेगा बराबर, तो उसके साथ ही उसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा आपका, चेंज होगा। एरिया वेक्टर भी क्या होगा आपका, चेंज होगा। अगर एरिया वेक्टर चेंज होगा बराबर, एरिया वेक्टर चेंज होगा मतलब एरिया वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, उसका एरिया चेंज नहीं होगा बराबर बराबर। तो जब एरिया वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे जैसे चेंज होगा बराबर है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी क्या होगा, उस कॉइल से जो लिंक्ड फ्लक्स है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। बिकॉज इफेक्टिव एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इफेक्टिव एरिया मतलब वो एरिया जिस एरिया से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या हो रही है, पास हो रही है, उसको कट करते हुए क्या हो रही है, पास हो रही है, वो एरिया भी क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है बराबर है। तो यहां से आप सिंपली निकाल सकते हो। तो थोड़ी देर में अगर अभी इसको अगर आप सॉल्व करते हो, तो लेट से ये जो मैंने इसको घुमाया मान के चलो, हाँ ये आपका एक्सेल है ठीक है, ये आपका एक्सेल है मान के चलो बराबर, ये इसके साथ अटैच्ड है। तो ये जब मैंने घुमाया ऐसे ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसे कुछ तो भी पकड़ने के लिए रहता है ऐसे ठीक है, ऐसे कुछ तो भी ठीक है। और इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं बराबर, हैंडल रहता है पकड़ के हम इसको घुमा सकते हैं। तो लेट से मैंने इसको जो घुमाया वो ऐसे घुमाया बराबर है, और इसका जो ये है वो क्या है, घूमने का स्पीड क्या है, ओमेगा है। घूमने का स्पीड क्या है आपका, ओमेगा है। अभी घूमने का स्पीड अगर आपका ओमेगा है, तो आपको बताना है कि इस केस में ईएमएफ कितना होगा और करंट कितना होगा। और मान के चलो ये जो लूप है आपका, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका अगर रेजिस्टेंस लोगे तो लेट से ये जो लूप है इसका रेजिस्टेंस कितना है, मान के चलो आर ओम है, इसका डिस्टेंस कितना है, आर ओम है ठीक है। चलो करके देखो, तो कैसे करोगे आपका इंडस्ड ईएमएफ और क्या निकालना है आपका इंडस्ड करंट। तो कैसे करोगे, कोशिश करो 1 मिनट में, फिर मैं बताता, कोशिश करो 1 मिनट पे फिर मैं बताता। समझ सकते हो, आपका कॉइल इनिशियली कैसे था, ऐसे था, आपका कॉइल इनिशियली ऐसे था, ऐसे कुछ तो भी आपका इनिशियल कॉइल था। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखोगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो कहाँ पे थी, आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में थी बराबर है, ऐसे थी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये तो समझ सकते हो। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी बराबर है। तब एरिया वेक्टर अगर देखूंगा तो एरिया वेक्टर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में था ठीक है। अभी थोड़ी देर में क्या होगा, आपका कॉइल घूम गया, आपका कॉइल क्या हो गया, घूम गया। आपका कॉइल घूमते क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा वाला बराबर। कॉइल घूमेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फाइनली ऐसा थोड़ा सा उड़ जाएगा, थोड़ा सा अगर समझते हो तो थोड़ा सा ऐसा कुछ तो भी उड़ जाएगा।
बराबर ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा, आप थोड़ा सा समझ सकते हो, थोड़ा सा आपको दिख रहा है ऊपर उठते हुए, बराबर थोड़ा सा क्या हो जाएगा ऊपर उठ गया बराबर। तो उठते ही पहले जो एरिया वेक्टर था, अगर मैं इनिशियल अगर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन निकालता हूँ, तो इनिशियल एरिया वेक्टर कहाँ पे था आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में था। इनिशियल एरिया वेक्टर क्या था आपका, अपवर्ड डायरेक्शन होता, ये एरिया वेक्टर था इनिशियली बराबर। बाद में जब ये थीटा एंगल से उठ गया, ये जब थीटा एंगल से उठ गया, ये कितने एंगल से उठ गया, थीटा एंगल से, कितने समय में, लेट से टी समय में, कितने समय में, टी समय में, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो अपना घूम जाएगा ना, कितने इससे, थीटा से घूम जाएगा, कितने से घूम जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा से घूम जाएगा बराबर। वो भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा से घूम जाएगा। अभी जब ये वाला थीटा से घूम जाएगा बराबर, तो ये अगर थीटा निकालते हो, तो आपको दिया हुआ है कि ये जो आपका जो लूप है पी क्यू आर एस, ये कैसे घूम रहा है आपका, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, कैसे घूम रहा है आपका, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। तो जब ये घूमेगा तो मेरे को निकालना पड़ेगा कि टी समय में वो कितना घूम गया, तो आप निकाल सकते हो, तो ओमेगा टी प्लस क्या होता है आपका हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ये आपके पास जनरल फार्मूला रेडी है, लेकिन आपको पता है इस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी है, जीरो है, बिकॉज ये जो मोशन है आपका कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में आपकी अल्फा क्या होती है, जीरो होती है, बिकॉज ओमेगा क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। तो आपका जो थीटा हो जाएगा दैट विल बी ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। अगर मैं चेंज इन फ्लक्स की बात करता हूं, तो चेंज कितना आया बराबर, अगर मैं इस इंस्टेंट पे, मतलब ये आपका जो इनिशियल पोजीशन था टाइम जीरो पे, वो वाला फ्लैट था सीधा, और फिर थोड़ा सा क्या होगा, पहले वाला ऐसे था अपना, पहले वाला ऐसे था, और फिर क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो एरिया वेक्टर देखो कैसे चेंज होता है, थोड़ा सा समझ भी सकते हो बराबर। तो जब ऐसे था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऊपर थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या थी आपकी, तो लेट से काली वाली आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और नीला वाला आके आपका एरिया वेक्टर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या थे, पहले पैरेलल थे, फील्ड लाइंस भी ऊपर और एरिया वेक्टर भी ऊपर। लेकिन जैसे ही वाला घूम गया, जैसे ही वाला आपका घूम गया थीटा से, तो देख लो घूम गया, तो एरिया वेक्टर भी देखो क्या कहां पे चला जाएगा, देख लो एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा आपका बराबर, देख लो एरिया वेक्टर भी घूम गया। तो जैसे एरिया वेक्टर घूम गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में, अभी भी क्या आपके वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इनके बीच में देखो कुछ एंगल बनेगा, और उतना ही एंगल बनेगा जितना वो घूम चुका है। मतलब एट टाइम टी पे बात करता हूं, एट टाइम टी की अगर बात करता हूं मैं, तो टाइम टी पे बी वेक्टर जो एंगल बना रहा था एरिया वेक्टर के साथ, वो कितना था आपका, थीटा था, वो कितना था आपका, थीटा था। तो इस इंस्टेंट पे अगर, इस इंस्टेंट में अगर मैं फ्लक्स निकालता हूं, इस इंस्टेंट पे अगर मैं फ्लक्स निकालता हूं, तो फ्लक्स क्या होगा आपका, बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये आपका जनरल फॉर्मूला पता ही आपको। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका जो फ्लक्स होगा दैट विल बी, बी बोलो बी कितना आएगा, दिया है क्या, तो लेट से आपका जो बी है इस केस में कितना दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बराबर। तो आपका बी बी आ जाएगा, और मान के चलो अगर आपको टर्न्स भी दे देती है, तो ये मान के चलो ये जो लूप है, ये जो लूप है इसकी कितनी टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो आपका जो बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी इंटू एन हो जाएगा टोटल बराबर। टोटल फ्लक्स तो हर टर्न्स के लिए ऐड करना पड़ेगा ना, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो जितना भी फ्लक्स है उसको क्या करना पड़ेगा, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं एरिया की बात करता हूं, तो एरिया तो आपका ए होगा बराबर, बाद में वहां से निकाल सकते हो, अगर आप एरिया यहाँ पे निकालते हो, तो आपका जो एरिया आ जाएगा दैट विल बी एल इंटू बी, आपका एरिया कितना होगा, एल इंटू बी होगा बराबर, इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा अगर निकालते हो, तो थीटा कितना आपका, ओमेगा टी, हमने ऑलरेडी निकाला, तो यहाँ पे क्या कर दो, ओमेगा टी लिख दो बराबर। तो ये आया आपका फाई एज अ फंक्शन ऑफ टी, ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन। लेकिन अगर मेरे को ईएमएफ निकालना है, अगर मेरे को क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो आपका जो ईएमएफ होगा, तो ये कौन सा आपका, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल फाई बटे डेल टी बराबर, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ बराबर। तो यहाँ पे अगर ये निकालते हो, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल फाई, बोलो डेल फाई। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या जाएगा आपका, बोलो बी कॉन्स्टेंट है आपका, ए कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिए, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या था आपका, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी बराबर। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अपना अनियन रूल लगेगा, पहले पूरे इसको डिफरेंशिएट कर दो, पूरे इसको फिर क्या कर लो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो कॉस का कितना आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना आएगा, ओमेगा। तो ये जो ओमेगा होगा ये कुछ आपका बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा, पर इसका क्या लेना है आपको, मॉड लेना है, इसका क्या लेना है आपको, मॉड। तो आपका जो इंडस्ट्री में होगा, अभी कोई भी निगेटिव वैल्यू होती है, तो मॉड 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 से क्या हो जाती है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी ए इंटू ओमेगा बराबर इंटू एन बराबर इंटू क्या हो जाएगा आपका, साइन ऑफ ओमेगा टी बराबर। तो इसका जब यूनिट चेक करोगे,
एन इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा, ये जो यूनिट आएगा आपका वो ईएमएफ के बराबर ही आएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, बराबर है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, बराबर है। अभी अगर मेरे को करंट निकालना है तो करंट भी निकाल सकते हो, आपका जो आय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ई बटे आर, ये तो आपको पता ही है, बराबर है। तो ई कितना है आपका ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बटे क्या हो जाएगा आपका आर, तो यहां से आ जाएगा आपका ई नॉट बटे आर इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ ओमेगा टी, पर ई नॉट बटे आर मतलब क्या होगा आपका आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, बराबर है। तो आई नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये चीजें आपको मिल जाएगी। अगर मैं ग्राफ्स प्लॉट करता हूं तो एक्चुअली में अगर देखोगे तो जो करंट है और जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो आपका इंड्यूस्ड करंट है वो क्या फॉलो कर रहे हैं साइनस, मतलब उसका जो रिलेशन आ रहा है वो कैसे आ रहा है हार्म, मतलब वो ये जो फंक्शन है कौन सा हार्मोनिक फंक्शन है, बराबर है बराबर है। तो हार्मोनिक फंक्शन है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जैसे जैसे साइनोसोइडल कर्व होता है उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगी उसकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। अगर मैं ग्राफ्स प्लॉट करता हूं, अगर मैं ग्राफ्स प्लॉट करता हूं देख लो थोड़ा सा, अगर मैं ग्राफ्स प्लॉट करता हूं तो यहां पे आपका क्या होगा ई होगा और यहां पे क्या होगा आपका टी होगा। तो ग्राफ्स अगर प्लॉट करूंगा तो ये आपका साइन फंक्शन है, कहां से स्टार्ट होता, कहां से स्टार्ट होता आपको पता ही है, ये कुछ आपका ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बराबर है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस तरफ जो वैल्यू रहेगी ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी ली मैंने ई नॉट, उसकी वैल्यू आपको पता ही है, ये ई नॉट की वैल्यू है मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे तो इस तरफ वैल्यू क्या है आपकी, ये वाला रीजन, ये इस रीजन में आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, बराबर है। फिर इस रीजन में क्या हो रही है आपकी निगेटिव वैल्यू हो रही है, फिर से इधर क्या हो रही है पॉजिटिव हो रही है। तो कंसिस्टेंटली जो आपका सोर्स है इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कंसिस्टेंटली अपना क्या कर रहा है, डायरेक्शन क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, अपनी पोलैरिटी क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स बोलते हैं। और यही जो सोर्स होता है अपने घर में आता है, बराबर। आगे के चैप्टर जैसे अपना आएगा अल्टरनेटिंग करंट तो वहां पे हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके इसके बाद अगर देखोगे अगर मैं करंट का बना लेता हूं, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बना लेता हूं, तो ये आपका आ है, ये आपका आ है और ये आपका ये वाला क्या है टी है। इसका अगर मैं बना लेता हूं फंक्शन तो आई एज अ फंक्शन ऑफ टी जो आएगा वो भी आपका क्या क्या फॉलो कर रहा है, आपका साइन का साइन का फंक्शन फॉलो कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी कुछ आपका ऐसे आएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा ऐसे आएगा, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी आई नॉट, ये वैल्यू क्या होगी आपकी आई नॉट। तो ऑब्वियसली इस तरफ पॉजिटिव रहेगी इस तरफ निगेटिव रहेगी, तो ये आपका पॉजिटिव ये फिर निगेटिव ये आपका फिर से पॉजिटिव, तो करंट भी क्या कर रहा है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कभी कभी आपके अगर कभी आपके चार्जेस अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, बराबर है, तो उसके बाद हाफ रोटेशन के बाद कहां पे फ्लो कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, बराबर है। तो करंट अपना जो करंट है हर आधे रोटेशन के बाद क्या कर रहा है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। अगर मैं टाइम के साथ अगर लिखता हूं तो आपको बताइए हम एसएचएम में ये सभी हार्मोनिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, बराबर है। तो वहां से आपको आइडिया है, तो यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो यहाँ पे टाइम कितना होगा आपका जीरो, अगर मान के चलो इसका जो टाइम ऑफ ये जो टाइम पीरियड है बराबर एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए जितना समय लग रहा है वो अगर मैं टीम ले रहा हूं तो जो आपका क्या है टाइम पीरियड है, मान के चलो अगर ये आपका टाइम पीरियड है, अगर ये आपका टाइम पीरियड है तो ये जो होगा टाइम कितना होगा ये जीरो, तो ये कितना होगा आपका ऑब्वियसली ये कितना होगा आपका टी बाय फोर, ये वाला टी बाय टू, बराबर ये वाला आपका टू टी बाय थ्री टी बाय टू, बराबर, और ये वाला आपका ये आपका कितना होगा टी होगा 3t/4 और ये कितना होगा आपका t होगा, ठीक है। तो देखो आधे रोटेशन के लिए आधे टाइम के लिए वाला क्या था पॉजिटिव था, आधे टाइम के लिए क्या वाला है निगेटिव था, और यही आपका क्या है अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो फटाक से। वाले जो एग्जांपल लिया था मैंने वहां पे क्या चेंज किया था बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया था, दूसरे इसमें मैंने क्या किया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज किया, बराबर है। मतलब एरिया वेक्टर का अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेंज होगा, तो ये मैंने थीटा वाला केस लिया। अभी जो तीसरा केस लेने जा रहा हूं वो आपका केस है एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तीसरा वाला जो केस है वो क्या है आपका एरिया वेक्टर का, बराबर है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा। तो देख लो वो भी कर लेते, अभी थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते। तो देख लो बड़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हर बार लेते, ठीक है। ठीक है, तो देखो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है,
और मान के चलो ये जो रीजन है ये आपका, यहाँ पे जो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस रीजन में, कौन सी फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी फील्ड है आपकी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक है। लेट्स सी उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी आपकी? बी नॉट है। वो इंटेंसिटी कितनी आपकी? बी नॉट है। और मान के चलिए आपका एक यहाँ पे एक कॉइल है, सेमी सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे आपका क्या एक सेमी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। और इस अभी ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो कॉइल है इसके लिए जो रेडियस है, इसके लिए जो रेडियस है वो मान के चलिए छोटा आर है, उसके लिए रेडियस कितना है? छोटा आर है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो लेट से आर ओम है, वो कितना है? बड़ा आर ओम है, ठीक है। और इसको क्या किया मैंने, इस सेंटर पे पकड़ के मैंने इसको क्या कर दिया, ओमेगा से घुमा दिया। तो आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कर लो, करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों निकालने हैं, ट्राई करो फटाक से। हाँ देता इसको, देख लो। अब ये तो ओमेगा से कांस्टेंट, ओमेगा से तो घूम रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के बाद इसकी अगर पोजीशन निकालता हूं, थोड़ी देर के बाद अगर मैं इसकी पोजीशन निकालता हूं तो टाइम टी में ये कुछ आगे चला जाएगा थोड़ा सा, ऐसे समझ सकते हो। तो टाइम टी में अगर इसकी पोजीशन निकालता हूं, तो टाइम टी में अगर मैं इसकी पोजीशन निकालता हूं तो ये इसकी पोजीशन होगी नई वाली, समझ सकते हो। ये इसकी क्या होगी? आपकी नई पोजीशन होगी। तो टाइम टी में अगर देखोगे तो धीरे धीरे, पहले अगर इनिशियली अगर देखोगे तो इनिशियली कंप्लीटली बाहर था। इनिशियली ये वाला क्या था? ये जो आपकी लूप थी ये कंप्लीटली क्या थी? बाहर थी। फिर थोड़ी देर में क्या होगी? ये अंदर जाने लगेगी। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ये वाला एरिया कवर करेगा। ऐसे अगर मैं इस टाइम टी पे मान के चलो ये जो पोजिशन थी ये टाइम जीरो पे थी, और ये पोजिशन कहां पे? टाइम टी पे। अगर मैं टाइम टी पे अगर सॉल्व करता हूं, क्योंकि टाइम टी तो कुछ भी हो सकता है ना, बराबर कुछ भी हो सकता है, बराबर वो तो वेरिएबल है आपका। तो उस इंस्टेंट पे जो आपका फाई होगा वो भी क्या होगा? आपका वेरिएबल होगा। तो आपको बताइए जनरल फॉर्मूला, फाई इज इक्वल क्या होता है आपका? बी इंटू ए बराबर है इंटू कॉस ऑफ थीटा। अभी यहाँ पे व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा? एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो यहाँ पे क्या ले लो? जीरो डिग्री लेके चलो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? वन ही आ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो फाई मिलेगा वो कितना आ जाएगा आपका? बी बी इंटू ए। तो इस छोटे से इंस्टेंट में ये क्या करेगा? छोटा सा एरिया कवर करेगा। छोटा सा एरिया क्या करेगा? कवर करेगा, बराबर है। तो लेट से मान के चलो ये जीरो से लेके टी तक सॉल्व कर रहा हूं, आप जीरो से लेके डी टी तक भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं ये अगर टाइम डी टी भी ले लेता तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। मान के चलो ये जीरो से लेके डी टी लेता मैं, बराबर है। तो ये जीरो से लेके मेरे को डी टी तक सॉल्व करना पड़ता, तो उस समय में चेंज इन फ्लक्स कितना था आपका? डी फाई, बराबर है। और एरिया भी कितना होता आपका? डी ए होता फिर, बराबर है। तो यहाँ पे डी फाई इज इक्वल क्या हो जाता? बी इंटू डी ए। ये छोटा सा रीजन कवर कर लेता डीटी समय में, ऐसा भी कर सकते थे आप, बराबर है। तो आपका जो डी फाई आ जाएगा, बोलो बी कितना आपका? बी नॉट है। अभी एरिया कितना कवर किया उसने? एरिया कितना कवर किया तो आप बता सकते हो, बराबर है। तो इस छोटे से डीटी समय में, इस छोटे से डीटी समय में वो छोटा सा एंगल डी डी थीटा कवर करेगा। इस छोटे से समय में छोटा सा क्या करेगा? एंगल क्या करेगा? सबटेंड करेगा वो यहाँ पे, बराबर है। तो वो अगर एंगल निकालते हो तो आपको पता ही है डी फाई इज इक्वल क्या जाए आपका? ओमेगा इंटू डी टी। मैंने वही रिलेशन लगाया जो पहले इसमें लगाया था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सिंस ये जो है मोशन कैसे परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो आपका जो ओमेगा हो जाएगा वो कांस्टेंट होगा, तो अल्फा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। तो इसमें डी थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा डी टी। अब मेरे को एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे देख लो। अब ये रेडियस तो आर दिया हुआ है आपको, तो ये आर है, ये भी आपका क्या है? आर है। तो इस छोटे से इसमें एरिया कैसे निकालोगे? अब एरिया कैसे निकालोगे? तो एक तो आपको चीज पता है कि सेमी सर्कुलर अगर देखोगे तो जब आपका एंगल कितना था? पाई डिग्री था, पाई रेडियन था, तब आपका एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर बटे टू था, बराबर है। और जब आपका एंगल कितना हो गया? डी थीटा हो गया, वह तभी आपका एरिया कितना होगा? डी ए हो गया। वही तो आपको निकालना है, बराबर। तो अगर मैं ये रिलेशन, अभी ऑब्वियसली एंगल बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो मैं रेशियोज ले सकता हूं। तो आपका क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे? पाए बटे पाए, सॉरी उल्टा कर लो, ये वाला बटे ये वाला करता, तो पाए आर स्क्वायर बटे टू
बटे क्या हो जाएगा, ये बटे ये इज इक्वल टू ये बटे ये, बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर बटे टू बटे पाई इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, डी ए बटे डी थीटा, कोई शक नहीं है, ठीक है। तो पाई ने पाई को मारा, तो यहां से आर स्क्वायर बटे टू इज इक्वल कितना आ जाएगा जी, बोलो डी ए, वही तो आपको निकालना है, बटे डी फाइव। बोलो डी फाइव की वैल्यू अगर देखोगे तो ओमेगा इंटू क्या है आपका, डी टी, ओमेगा इंटू क्या आपका डी टी, तो डी टी आ चलेगा इस तरफ। तो आर स्क्वायर बटे टू इंटू ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल क्या आपका डी ए, तो ये आ गया आपका एरिया डी ए, ठीक है। तो एरिया का तो सीधा सीधा ही था, कुछ मतलब डोका लगाना नहीं था आपको, ठीक है। तो एरिया आ गया, इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो आपका जो डी फाई है वो कितना आपका बी नॉट इंटू डी ए, तो बी नॉट तो बी नॉट ही है बराबर, बी तो बी नॉट है बराबर। एरिया कितना है आपका लिख लो, आर स्क्वायर बटे टू बराबर इंटू क्या आएगा आपका ओमेगा इंटू डी टी, कोई दिक्कत नहीं है जी बराबर। तो ये आ गया आपका डी फाई, पर ये डी फाई कितने समय में चेंज हुआ, डी टी समय में चेंज हुआ। तो अगर मैं अभी आपको बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल क्या होता है आपका मॉड ऑफ डी फाई बटे डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, पर डी फाई निकालना मैंने डी टी के समय में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर निकालता हो तो डी फाई कितना आपका बी नॉट आर स्क्वायर बटे टू बराबर इंटू ओमेगा इंटू डी टी, बटे क्या हो जाएगा आपका डी टी। तो यहां से आपका डी टी डी टी तो क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट, तो यहां से आपका सीधा सीधा रिलेशन मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका बी नॉट आर स्क्वायर इंटू ओमेगा बटे क्या जाएगा आपका टू, बटे क्या जाएगा आपका टू, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अभी ये इंडस्ट्री में पाए तो आई आई भी निकाल सकते हो, तो आई जोड़ क्या हो जाएगा ई बटे आर, व्हाट इज आर, आर इज द रेजिस्टेंस बराबर है। तो ये कितना आपका बी नॉट आर स्क्वायर ओमेगा बटे टू, बटे क्या हो जाएगा आपका आर, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा बी नॉट आर स्क्वायर ओमेगा बटे क्या हो जाएगा आपका टू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंडस्ट करंट, ठीक है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, बाकी का पार्ट हम कल पढ़ेंगे।